मोदी जी की सरकार बने कितने साल हो गए? 3। उनके फैंस कहां से कहां तक हैं? इंडिया से सात समंदर पार तक। उनको सबसे ज्यादा शौक का है कैमरे का, लेकिन यही कैमरा कभी कभी दिक्कत कर जाता है। उसमें ऐसे ऐसे मूवमेंट्स रिकॉर्ड हो जाते हैं, उनको वो कहते हैं क्या, ऊप्स मूवमेंट। ऐसे कुछ मूवमेंट्स हम दिखा रहे हैं, देखिए, गुस्साइएगा नहीं, एंजॉय कीजिए। अब ये वाला देखो, मोदी जी चाइना गए थे अपने दोस्त शी जिनपिंग से मिलने। वहाँ वो टेराकोटा वॉरियर्स म्यूजियम देखने चले गए। वहाँ देखा ये बड़ी फौज खड़ी है मूर्तियों की, मूर्तियाँ छूना मना है, ऐसा बोर्ड भी लगा था। लेकिन मोदी जी ठहरे क्यूरियस आदमी, कहेंगे छू के देखते हैं, तो वहाँ उन मूर्तियों से फेस टू फेस बात भी कराए और उनकी ये बातचीत कैमरों में कैद हो गई। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके अमेरिका वाले पुराने दोस्त बराक ओबामा इंडिया आए थे, तो वहाँ फुल इम्प्रेशन झाड़ने के लिए ये वाला सूट पहन के चले गए, जिसमें उनका नाम सुनहले अक्षरों में गोदा हुआ था। ओबामा तो इम्प्रेस होकर लौट गए, लेकिन यहाँ कुछ जलकुकड़ों को बरनाल की जरूरत पड़ गई। इन लोगों का नाम रूपा नहीं है तो कोई जांघे पर भी नहीं छपवाता, इसीलिए जलते रहते हैं। एक बार हमारे पीएम साहब फ्रांस की ट्रिप पर गए थे, तब वहाँ प्रेसिडेंट फ्रांसवा ओलांद थे। ये नया वाला लड़का मैक्रन नहीं आया था। ओलांद की तो यार टाइमिंग बहुत टुच्ची है, ये तो जानते ही होंगे। स्टेज पर मोदी जी ने हैंड सेकने के लिए बढ़ाया, ओलांद पकड़ा दी किताब, हो गई इज्जत की फचीटी। सेम टू सेम गलती जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल ने भी की थी और ब्रिटेन के भूतपूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने भी। फेसबुक के पापा जकरबर्ग मोदी जी के पक्के वाले दोस्त हैं। एक बार वो इंडिया आए तो फोटो खिंचाने का नंबर आया। अब वो मोदी जी को पीछे हटाकर फोटो खिंचवाना चाहते थे, मोदी जी ने उनको ही पीछे हटा दिया। मोदी जी बच्चों से कितनी मोहब्बत करते हैं ये तो सबको पता है। अभी रिसेंटली सूरत में बच्चे को प्याल करने के लिए अपनी गाड़ियों का काफिला रुकवा दिया था, लेकिन बच्चों के कान देखते ही मोदी जी को पता नहीं क्या हो जाता है। उनका दिमाग पता नहीं कौन से संदेश उनके हाथों को भेजता है, बच्चे के कान पकड़ के खींच देते हैं। बताओ, महीने में 3 फिल्में रिलीज करने वाले अक्षय कुमार के पुत्र को भी नहीं छोड़ा। ऐसा लगता है मोदी जी पीके से इंस्पायर्ड हैं और सबके कान उसके जैसे बनाना चाहते हैं। रूस में जो मिस्टेक हुई वाकई बहुत बड़ी थी। वहाँ हमारा राष्ट्रगान बजा और प्रधानमंत्री जी चल पड़े। ये तो घड़ों पानी पड़ने वाला इंसिडेंट था, लेकिन क्या कहें, इंसान गलतियों का पुतला, गलती हो ही जाती थी। इतना करना चाहिए, गलती करने वाला कोई राह चलता आदमी भी हो तो उसे पीट नहीं देना चाहिए। लास्ट में दुबई ट्रिप की भावुक कर देने वाली तस्वीरें। वहाँ मोदी जी गए थे शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, इतना लंबा नाम, हाँ, तो इनसे मुलाकात हो गई। फिर तो ऐसा लगा कि दोनों भावनाओं में बह गए, वल्लाह किसी की नज़र न लगे। हमको उम्मीद है कि मोदी मूवमेंट्स देख के आप इम्प्रेसित हुए बिना नहीं रह पाए होंगे। ऐसे ही और धाकड़ वीडियोस देखने के लिए दिल ललन टॉप को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में हमको बताइए कि आपको कैसा लगा।